जैन फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर चुके हैं यूनिट वन के अंदर, इसी तरीके से आज यूनिट टू की पार्ट वन आ रहा है भाई। दो पार्ट्स में भी ये यूनिट भी दो पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर दी जाएगी। इस यूनिट का नाम है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं भाई? जिनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो लेकिन सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला उनका क्या होगा? हमेशा ही सेम होगा। उनकी प्रॉपर्टीज में चाहे कितना भी डिफरेंस आए, इसमें फिजिकल में कुछ आए, केमिकल में कुछ आए, चाहे किसी चीज़ में कोई भी डिफरेंस आए, लेकिन कभी भी उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर? इसी को दो कैटेगरी में आगे बांटा गया, दैट इज स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो उसका स्ट्रक्चर क्या हो, जिसमें स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम हो। क्लियर? नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। नोट्स दो है वो अगली वीडियो के साथ ही दोनों के इकट्ठे आएंगे। क्लियर? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेम अगर स्टीरियो में पढ़ा जाए, अब सर हमने तो देख लिया सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसमें भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसके अंदर भी सेम होगा, क्योंकि दोनों आइसोमर्स हैं। इसमें स्ट्रक्चर था तो इसमें क्या हुआ? इसमें सेम स्ट्रक्चर होते हैं भाई, सेम स्ट्रक्चर होते हैं। सर सेम स्ट्रक्चर होते तो फिर डिफरेंस किस चीज़ में आया? ये कुछ नहीं मुठता है भाई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर, तो डिफरेंस किस में चाहे? तो डिफरेंस आता है एटम्स की अरेंजमेंट के ऊपर, एटम जो एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है स्पेस के अंदर, उसके अंदर जो है डिफरेंस आता है। आगे जो हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स उनको पढ़ते हैं, चेन में, पोजिशन में, मेटा में, फंक्शन में, रिंग में, इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हल्की हल्की बताऊंगा क्या होती है। इसके बाद जो डिटेल पढ़ना है अपने को बीएससी के अंदर, वो कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगेशन, जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल होते हैं। ये अलग ही 11th क्लास में क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको जो है एक रीडिंग के लिए मैं बता देता हूँ। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं कि चेन में फर्क होगा, मीन्स लाइक 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो कार्बन 6 ही होंगे, ये मैंने गलत बना दिया, 1 2 3 4 5 5, तो चौथा पांचवा कार्बन है ना वो यहाँ आ जाएगा। मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन कार्बन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। इसका किसका एग्जांपल है? चेन आइसोमर्स का। मतलब चेन की पोजीशन में जो डिफरेंस आए, चेन की पोजीशन में जो डिफरेंस आएगा, उस चीज़ को आप बेसिकली बोलते हैं चेन आइसोमर्स। तो पोजिशन आइसोमर्स क्या होते हैं? पोजिशन आइसोमर्स में सर पोजिशन में डिफरेंस आएगा, लेकिन पोजिशन किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। वाओ, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, लाइक OH यहाँ पे लगा हुआ है तो अगले में क्या करेगा? OH यहाँ लग जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, इनका दोनों का रिलेशन क्या है? स्ट्रक्चर पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है सेम है और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन एक दूसरे के इधर उधर है। मतलब फंक्शनल ग्रुप की जिसमें पोजीशन चेंज होता है उसे पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं, चेन का जिसमें होता है उसे चेन आइसोमर्स बोलते हैं। मेटा क्या होते हैं सर? मेटा जो आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो फॉर्मूला है ना चेन का, जैसे किस तरीके से समझिएगा भाई, इस तरीके से समझिए, NH लगा हुआ इधर, एक इधर, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, है तो एक NH फंक्शनल ग्रुप क्या होगा दोनों के अंदर? सेम होगा, 1 2 3 और 4। मतलब कार्बन देखो, इसके अंदर भी पांच है, इसके अंदर भी पांच कार्बन है, इसमें भी NH फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी NH, लेकिन NH फंक्शनल ग्रुप के इस साइड कितने कार्बन है? तीन है। इसमें कितने कार्बन है? दो कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? चार कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है। समझे इस चीज को आप लोग? इस चीज को समझ रहे हो ना क्लियरली क्या बोल रहे हैं हम, क्या नहीं बोलने की कोशिश कर रहे हैं? कि NH के साइड में जो आपके कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके साइड में कितने हैं, इसके साइड में कितने हैं, उस चीज को अपने को बेसिकली देखना है भाई। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड, किस साइड? आइदर साइड, किसी भी साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन की चेन होती है उनमें डिफरेंस होना चाहिए। वो एक दूसरे क्या होते हैं? मेटामर्स होते हैं। फंक्शनल क्या होते हैं सर? फंक्शनल वो ग्रुप होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो, जिनके अंदर क्या हो, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंस हो। पोजीशन के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम थे लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। लाइक इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध एग्जांपल है, आप लोगों ने कभी भी देखा भी होगा, लाइक ये जो है मैं बना रहा हूँ, ये एग्जांपल जो है इसका बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, मतलब बहुत बार यूज़ किया जाता है, एज ए जनरली फॉर्म यूज है। ये क्या है आपका? एसिड हैलाइड है, आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, एसिड हैलाइड है ये। और ये क्या चीज़ दी हुई है? एसिड हैलाइड है, ये कीटोन है। क्लियर? ये कीटोन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, बीच में लगा हुआ मतलब कीटोन है, और इधर जो है ये क्या लगा हुआ? सी एल ओ एच लग जाता है, तो ओ एच लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है, ये एसिड हैलाइड है। क्लियर? क्लोराइड लगा हुआ तो एसिड हैलाइड है। तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना वो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट आएगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। अब सर रिंग और चेन क्या होते हैं सर? तो इसका मतलब सर एक में रिंग होगी, एक में चेन होगी। वाह भाई, आपको तो जंतर मैन हो, तो
आपको तो पता है क्या चीज है, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पास, CH2, ये एक एग्जांपल है। तो इसके अंदर देखो तीन कार्बन है, छह हाइड्रोजन है, क्लियर। तो ये तो क्या है, एक चेन, आइसोम चेन के अंदर ही। तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब देखो इधर कितने कार्बन आएंगे, इसके अंदर कितने कार्बन आएंगे, CH2 आ जाएगा इधर, इधर कितना आएगा, CH2 आएगा, और इधर भी क्या आएगा, CH2 आएगा। तो कार्बन कितने आए, तीन, और हाइड्रोजन कितने आए, छह। क्लियर है आपको, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सब पता चल गया भाई। चेन में, चेन में पोजीशन में डिफरेंस होगा, चेन की पोजीशन में डिफरेंस होगा, पोजीशन मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस होगा, मेटामर्स किसी फंक्शनल ग्रुप के साइड के कार्बन्स को देखना कम होंगे या ज़्यादा होंगे। फंक्शनल क्या होते हैं कि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही अलग होगा। रिंग चेन क्या होते हैं भाई, एक रिंग होगी एक चेन होगी, एक चेन होगी एक रिंग होगी, एक चेन और रिंग के बीच में जो रिलेशन, उसे चेन रिंग आइसोमर्स बोलते हैं। मेनली जो अपने को स्टडी करने हैं दैट इज कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशनल स्टडी करने। ये तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बताया है आपको, बिल्कुल नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लेना। कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशनल क्या होते हैं, आज की जो वीडियो हो टोटली टोटली कॉन्फॉर्मेशनल्स के ऊपर होने वाली है। दो कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करके भी दिखाएंगे। तो कॉन्फॉर्मेशनल्स पे आप बात करते हैं, कॉन्फॉर्मेशन होती क्या है। अब आप एक चीज तो जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कह रहा हूँ, ये कार्बन कार्बन है, इन दोनों के अलोन रोटेशन हो सकती है, इन दोनों के अलोन रोटेशन हो सकती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोन जो है रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन डबल बॉन्ड के अलोन, पाई बॉन्ड के अलोन कभी भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, इतना जानते हो। तो बाय रोटेशन, बाय रोटेशन या गिविंग सम टेम्परेचर, गिविंग सम टेम्परेचर, गिविंग सम टेम्परेचर, जो ये टेम्परेचर होता है ना, ये ऐसा टेम्परेचर होता है जो रूम टेम्परेचर पे भी अवेलेबल होता है, मतलब हल्की हीट दे के या फिर रोटेट करके एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में आप बदल लेते हैं, एक स्ट्रक्चर को जब दूसरे स्ट्रक्चर में बदल लेते हैं उसी चीज़ को बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। क्लियर है, पता चल गया भाई क्या चीज़ होती है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, कि भाई वो टाइप ऑफ आइसोमर्स होते हैं जिसके अंदर आप बाय हीटिंग या फिर गिविंग सम एनर्जी या बाय रोटेशन से आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसे दूसरे स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं। क्लियर, किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर वो बनाएंगे आप, ये तो जर्नल ऐसे ही बना दिया मैंने कुछ भी, क्लियर है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर था उसको आप किस में एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं कॉन्फॉर्मेशन के अंदर, बाय रोटेशन, बाय गिविंग सम एनर्जी, बाय गिविंग हीट। एनर्जी जो चाहिए होती है इसको बदलने के लिए, वो ऐसी एनर्जी होती है जो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है। तो इन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉन्फॉर्मेशनल्स होते हैं, इनको स्टोर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी रूम टेम्परेचर की एनर्जी तो हर जगह अवेलेबल है, थोड़ी एनर्जी मिली वो उसमें चेंज हो गया, उसमें चेंज हो गया, उसमें चेंज हो गया, तो स्टोर कर पाना इनको बहुत ही मुश्किल है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनको स्टोर कर पाना मुश्किल क्यों है, क्योंकि ये जो रूम टेम्परेचर पे ही जो अपना एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज कर लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं, कितने कॉन्फॉर्मेशनल पॉसिबल हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये, इनफाइनाइट। क्लियर, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स जो है कन्फर्मेशन के अंदर अगर पूछे जाए कितने जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पॉसिबल है किसी भी कन्फर्मेशन के, कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स कितने पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिकली जो आप पढ़ते हैं मेनली वो पढ़ते हैं दो के तरीकों के, दैट इज एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड पढ़ते हैं आप, एक पढ़ते हैं आप स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, आपने नाम सुना होगा इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, ये दो चीज़ें आप पढ़ते हैं, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, दो नाम सुने होंगे आपने। क्या सर CH4 का कोई आइसोमर्स पॉसिबल है, क्या CH का और कार्बन का CH का कोई कन्फर्मेशन पॉसिबल है, नहीं, क्यों नहीं, सबसे पहली बात क्या हुई थी कि रोटेशन होनी चाहिए, और रोटेशन होगी किस किस में, सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड होगा कहाँ, कार्बन कार्बन के बीच में। ये बात यहाँ पे सबसे बहुत ही ज़्यादा नोट डाउन करने की जरूरत है कि उसके अंदर कम से कम दो कार्बन होने चाहिए, एटलीस्ट टू कार्बन होने चाहिए अगर उसको एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर जाना है। इसी वजह से मीथेन के अंदर किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये रोटेशन नहीं करेगा। क्लियर, कन्फॉर्मेशनल्स के अंदर मॉलिक्यूलर कन्फॉर्मेशन, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, और एटलीस्ट दो क्या चाहिए होते हैं अपने को, कार्बन चाहिए होते हैं, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड जो मेन आप कन्फर्मेशन पढ़ते हैं वो दो ही पढ़ते हैं।
क्लियर है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स की अपन बताते हैं आपको, एक बताएंगे हम आपको साहोरस, साहोरस कन्फर्मेशन बताएंगे एक में, दोनों की इसमें एक्लिप्स की बताएंगे पहले, दोनों जगह पहले एक्लिप्स की बताऊंगा फिर स्टैगर की। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यूमैन, आपको देख लेना न्यूमैन प्रोजेक्शन, दोनों में मैं बता देता हूँ दोनों को लिखा कैसे जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूमैन लिखो या फिर साहोरस लिखो तो कैसे लिखना है। एक्लिप्स के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन है, मैं जैसे मीथेन ले लेता हूँ, लेकिन कुछ भी आप ले लीजिए, इसमें कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट मत करना, ऐसे रिप्रेजेंट करते ही क्वेश्चन समझ जाएगा आपका लेवल कितना। क्लियर। यहाँ से कार्बन को एक ऊपर दे जाओ, एक हाइड्रोजन, और इसमें दो हाइड्रोजन को आप ऐसे बना दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को ऊपर दे जाओ और दो हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से बना दो। क्लियर है, बिल्कुल। जिसमें ऊपर वाले जो कार्बन है हाइड्रोजन है वो सेम साइड में हो, उसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड। नहीं समझे? एक ये कार्बन है, लाइक ये दो कार्बन जो दो, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये तो है नीचे वाली साइड, जो हाइड्रोजन ऊपर वाली साइड है, इस कार्बन के ऊपर साइड है, और सेम साइड में जैसे आपको कैमरे पे मेरी उंगलियां दिख रही होंगी, ये जो कार्बन है जो सेम साइड में, ये जो देखिए हिल रही है ना, ये जो साइड है, ये जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों सेम साइड पे होते हैं, दोनों आगे, ये इसके आगे वाला कार्बन है तो आगे वाले के कार्बन के पीछे ही पीछे वाला कार्बन है, लाइक कुछ इस तरीके से। जैसे मेरी पीछे वाली उंगली आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर मैं इसे 60 डिग्री रोटेट कर दूँ तो आपको मेरी पीछे वाली उंगली दिख रही होगी, लेकिन अब नहीं दिख रही होगी कैमरे के अनुसार। क्लियर। तो मतलब ये आगे है, ये इसके पीछे, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे है, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड। और ये साहोरस प्रोजेक्शन है, साहोरस प्रोजेक्शन अगर इसी को मैं 60 डिग्री रोटेट कर दूं, फर्स्ट कार्बन को मैं ऐसे ही रखूं, मतलब पहला कार्बन है मेरा, पहले कार्बन के ऊपर मैं जो हाइड्रोजन से मैं वैसे के वैसे ही रखूं, उनको नहीं बदल रहा, मैं इसको घुमा दूं, इसको घुमा दूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको घुमाते ही जो मेरे को चीज़ मिली ना, घुमाते ही क्या चीज़ मिलेगी, थोड़ा सोचो क्या मिलेगा, मेरा जो ये हाइड्रोजन जो नीचे वाली साइड था ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन ये इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अब देखो ये आपको लग रहा होगा ये स्ट्रक्चर में ऐसा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे नोट्स के अंदर कैसा होता है। ये देखिएगा, ये देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के सामने आमने, लेकिन ये हाइड्रोजन जो था, ये हाइड्रोजन अपन पिछली इस नोट्स में देखो, ये और ये देखो, यहाँ पे ये देखो, और ये जो हाइड्रोजन इसके सामने वाला 60 डिग्री रोटेट करते ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो अब ये एक दूसरे के सामने नहीं रहा, तो ये एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है। क्लियर है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये क्या है, स्टैगर्ड बन गई अपनी, मतलब 60 डिग्री आप रोटेट करके किस में, एक्लिप्स को स्टैगर में बदल सकते हो या फिर स्टैगर को एक्लिप्स में बदल सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब पढ़ते हैं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन को थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम जो लेना पड़ेगा, लाइक जो हम ले रहे हैं CH3 इस कंपाउंड का ले रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो जो सर्कल होता है ना, ये सर्कल होता है बैक कार्बन, बैक कार्बन, ये जो सर्कल है ये इस बैक कार्बन, किसी भी बैक कार्बन को ये डिनोट करता है। जो पॉइंट होता है जो अंदर होता है, ये पॉइंट भी एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डार्क लाइन भी, ये सर्कल भी एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो ये जो कार्बन है, ये जो चीज़ है, इसे बनाते हैं अपन, ये आपका जो डॉट है ये फ्रंट कार्बन है, ये क्या है, फ्रंट कार्बन है। अब आप फ्रंट कार्बन को कभी भी रोटेट नहीं करते, फ्रंट कार्बन को फिक्स करते हैं। क्लियर। ये इसका क्या बन गया, इसी तरीके से मैं इसका जो स्टैगर्ड भी बना देता हूँ, अभी नहीं बना स्टैगर्ड, अभी अभी नहीं बनेगा, अभी तो मैं एक दो स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ आपके लिए, आपको बताना है एक्लिप्स कौन सा है, स्टैगर्ड कौन सा है। एक्लिप्स में क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने, मीन्स जो अब जो लाइन लगाऊंगा मैं अंदर से नहीं लाऊंगा, मैं इस कार्बन से स्टार्ट करूंगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें देखो कार्बन बहुत दूर है, मतलब ये कैसा है, स्टैगर्ड है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने या पीछे पीछे नहीं है, ये कैसा है, एक्लिप्स्ड है। क्लियर, क्योंकि एक दूसरे के सामने। अब देखो, अब जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब एक दूसरे को जब ये रिपेल करेंगे तो इनके अंदर एक जो एक तरीके की एक क्या बन जाती है, स्ट्रेन बन जाती है, जिसे बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन, नाम सुना होगा आपको, मिल भी जाएगी टॉर्जनल स्ट्रेन। अब पूछ लेता है व्हाट यू मेंट बाय टॉर्जनल स्ट्रेन, द स्ट्रेन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिपेलेशन या फिर ड्यू टू द रिपेल्स ऑफ द
रिपेल इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्लिप्स स्ट्रक्चर्स के कारण में जो एक क्या होता है रिपेल करते हैं एक दूसरे को, उसी चीज़ को आप क्या बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं, या फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ के सुनाएं, तो द रिपल्शन बिटवीन द सेम ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेन, और द एक्लिप्स फॉर्म हैव हाईली टॉर्सनल स्ट्रेन एंड हाईली एनर्जी एंड लो स्टेबिलिटी। अब देखो इसको ये हाइड्रोजन जो है एक दूसरे को धक्के मार रहा है, अब जब तक ये इसको धक्के मारेगा इसको रिपेल करेगा तब तक ये स्टेबल नहीं हो सकता। अब इसमें तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये रिपेल कर नहीं सकता, तो ये क्या है एक्लिप्स से जो है स्टेबल ज़्यादा कौन है, स्टैगर्ड है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है मतलब उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, मतलब उसने एनर्जी रिलीज ज़्यादा की होगी, उसने एनर्जी ज़्यादा रिलीज करके उसने स्टेबिलिटी गेट की है, क्लियर है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन आपको पता चल गया भाई, जो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है इनके बीच का रिपल्शन होता है, क्लियर। इसी के बीच एक टर्म आ जाती है डाइपोल मोमेंट, वो भी मैं यहीं पे डिस्कस मर कर लेता हूँ कि डाइपोल मोमेंट भी क्या होती है। डाइपोल मोमेंट कई बार स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके के आपको डिज़ाइन कर दिए जाते हैं, लाइक ये ब्रोमीन, मैंने यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, अब जो ब्रोमीन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या बन जाएगा डाइपोल बना लेंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन कर लेंगे, उसी से क्या उसी को क्या बोलते हैं उसी अट्रैक्शन को आप क्या बोलते हैं डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। अब डाइपोल इंट्रैक्शन जो होगी पोलराइजेशन जो होगी पोलराइजेशन चार्ज में जो अट्रैक्शन होगी तो चार्ज की अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा तेज होगी क्योंकि एक दूसरे के पास है, यहाँ पर वो पोलराइजेशन कम होगी, क्लियर। ये चीज़ आपको पता होगी। एंगुलर स्ट्रेन एंगल के कारण स्ट्रेन आता है, इसमें एंगल देखो एक इसमें एंगल देखो उसके कारण स्ट्रेन आता है, उसे एंगुलर स्ट्रेन बोलते हैं। अब इनका अगर स्टेबिलिटी का ग्राफ बनाया जाए, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं कि सर एक्लिप्स ज़्यादा स्टेबल है या इसका मतलब स्ट्रक्चर्स बनाएं, तो आपको पता चला भाई एक्लिप्स तो स्टेबल है नहीं दोस्त, एक्लिप्स तो स्टेबल है नहीं, स्टैगर ज़्यादा स्टेबल है। मतलब एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, स्टैगर्ड की ज़्यादा होगी, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, अब बताओ 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 कि एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई, गलत, एक्लिप्स की ज़्यादा हुई, एक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा हुई, एक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा हुई, क्यों, क्योंकि एक्लिप्स हाईली अनस्टेबल है, अगर उसने अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करी तभी तो वो क्या नहीं हो पा रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा इसी वजह से तो अनस्टेबल है भाई, उसके अंदर एनर्जी है, जब उसके अंदर एनर्जी है इसी वजह से तो स्टेबल नहीं हो पा रहा, अगर एनर्जी नहीं आती तो स्टेबल हो जाता, वो कुछ करता ही नहीं, तो यहाँ पर जो स्टैगर्ड है वो क्या है, स्टेबल है, जो इनकी जो एनर्जी ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जो है मूव करता है, आपको किताब के अंदर मिल जाएगा, क्लियर। नीचे क्या होगा, एक्लिप्स होगा, क्यों, क्योंकि एक्लिप्स सॉरी स्टैगर्ड होगा, स्टैगर्ड क्यों होगा, ऊपर एक्लिप्स आएगा, क्यों आएगा एक्लिप्स, क्योंकि एक्लिप्स हाईली अनस्टेबल है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, स्टैगर स्टेबल है, उसके अंदर एनर्जी कम है। टॉर्सनल स्ट्रेन भी इसका आप इस तरीके से आप लिख सकते हो कि टॉर्सनल स्ट्रेन भी इसके अंदर पाया जाता है, इस वजह से भी चीज़ जो है फॉलो कर रहा है। अगर इसी जगह पर मैं एक और चीज़ ले लूँ, बच्चे इसका भी पूछ लेते हैं कई बार जो है टीचर्स, इसका भी बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, या तो साइक्लोहेक्सेन के पूछेगा या ब्यूटेन के पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछ सकता, आप उसको अधिकार ही नहीं है, क्लियर है। न्यूमैन प्रोजेक्शन से इसका पूछ लेता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन राइट करो इसका, तो मैं इसके 6-7 स्ट्रक्चर बनते हैं बना के दिखा देता हूँ आपको। आपको ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये आउटसाइड कार्बन है, इन कार्बन को मानना है, एक कार्बन को मान लो सर्कल बैक कार्बन, ये बैक कार्बन मान लिया, ये फ्रंट कार्बन, क्लियर। तो फ्रंट कार्बन पे क्या चीज़ है, फ्रंट कार्बन पे एक तो CH3 लगा हुआ है और दो लगे हुए हैं हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये फ्रंट कार्बन माना मैंने, क्लियर। अब इसी के साथ हम इसमें जहाँ से भी स्टार्ट करो, आप इलेक्ट्रिक लो स्टैगर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जो है क्या करो, इधर मान लिया भाई CH3 लगा लिया मैंने, मैंने स्टैगर से स्टार्ट किया, बच्चों को दिक्कत रहती है, स्टैगर से स्टार्ट कर दिया। अब मैंने इसे 60 डिग्री रोटेट करता हूँ, इसे स्ट्रक्चर सारे अपने आप आएंगे, इस स्ट्रक्चर को 60 डिग्री रोटेट करते रहो, घुमाते रहो, बस आपको इतना आना चाहिए। अब ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो इसे बोलते हैं एंटी एंटी, या फिर इसे बोल देते हैं फुली स्टैगर्ड, फुली स्टैगर्ड, इसी को फुली स्टैगर्ड बोल देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, मतलब ये एक दूसरे को बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं करेंगे, हाईली स्टेबल इसको माना जाता है, इसको हाईली स्टेबल माना जाता है। और सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है, एंटी की होती है, सबसे जो लोएस्ट एनर्जी होती है दैट इज एंटी, क्लियर। अब इसको देखो, घुमाओ 60 डिग्री से, अब 60 डिग्री से तुमने इसे घुमाया, अब फ्रंट कार्बन को तो सेम रखना, CH3H सेम रहेगा, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, और ये CH3 इसके पास आ गया, अब यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बनेगा, लेकिन ये सीधा एक्लिप्स्ड है, एक्लिप्स्ड ही है, सिंपल एक्लिप्स्ड, ये एंटी है या फुल एक्लिप्स्ड है, फुल स्टैगर्ड है। फिर दो महीने ऐसे मैंने इसे 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, फ्रंट कार्बन को एज इट इज़ हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3,
अब ये CH3 यहाँ आ गया, घूम फिर के ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। मैंने 60 डिग्री से दोबारा फिर रोटेट कर दिया इसे, ये CH3 इधर है, ये हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, जो शुरू वाला कार्बन। अब जो CH3 है ये इधर आ गया, अब ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा, अब ये नचाएगा सबको, क्योंकि CH3 और CH3 दोनों के ऊपर हाईली चार्ज होगा, तो इसे बोलते हैं फुली एक्लिप्स्ड। इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, अगर सबसे कम एनर्जी की बात करी जाए तो फुली स्टैगर्ड की होगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात करी जाए तो फुली एक्लिप्स्ड की होगी। अब इसी स्ट्रक्चर को दोबारा से 60% पे घुमा दो, 60 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दो, तो CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये CH3 यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। अब दोबारा से इसको क्या करो, 60 डिग्री से रोटेट करो। सर ऐसे तो हम रोटेट करने में रह जाएंगे, आगे क्या पढ़ेंगे, क्लियर। लेकिन अभी एक मिनट रुको, CH3 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड, मतलब इनको जो है आप अपने हिसाब से नाम दे लीजिए, जैसे इसको स्टैगर्ड दे दिया, जो जिसमें CH3 पास आ रहा है उसको फुली क्या दे दिया, एक्लिप्स्ड दे दिया, जिसमें दूर दूर आ रहे हैं सबसे उसको फुली स्टैगर्ड दे दिया, एंटी दे दिया। अब इसको दोबारा से तुम 60 डिग्री रोटेट करोगे ना, तो यही स्ट्रक्चर तुम्हें दोबारा मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि CH3 दोबारा यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपको दोबारा मिल गया। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हो सकते हैं, क्लियर है। ये इसके कन्फर्मेशंस थे, एक्लिप्स्ड स्टैगर, फुली एक्लिप्स्ड, एंटी। एनर्जी ग्राफ बनाओगे तो एनर्जी ग्राफ में सबसे ज़्यादा किसकी आएगी बताओ, सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, फुली एक्लिप्स्ड की आएगी, सबसे कम किसकी आएगी, एंटी की आएगी, फिर क्या आएगा, स्टैगर्ड आएगा, या फिर ये यहाँ इसे फुली स्टैगर्ड भी लिख सकते हो, या फिर एक्लिप्स्ड आएगा, क्लियर है। ये ऐसे आएगा पूरा, मतलब एक बार एनर्जी इसकी ज़्यादा जाती, फिर इसकी थोड़ी कम, ऐसे, क्लियर है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो इसके रीजंस होते हैं भाई, किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती, तो वो डिपेंड करती है आपकी टॉर्शनल स्ट्रेन पर, एंगुलर स्ट्रेन पर, डाइपोल मोमेंट इंट्रैक्शन पर, क्लियर है। ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, डाइपोल में इंट्रैक्शन कैसे होती है वो भी बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, तो अट्रैक्शन बन जाएगी, एक्लिप्स्ड के अंदर, स्टैगर्ड के अंदर कम बनती है, ये चीज़ भी मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको, क्लियर है। तो अब इसके अंदर बचती है साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशंस, जो पेपर पर बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो मैं उसकी आपको शो कर देता हूँ कैसे क्या क्या होती है। किताब है मेरे पास, ये देखिएगा, ये है चेयर कन्फर्मेशन कुछ इस तरीके की होती है। बोट कन्फर्मेशन आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाने आने चाहिए, बन जाएंगे आपके पास, देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने ये बनाने स्टार्ट किए तो। ये देखिए इस तरीके से बनेगा, ये ट्विस्टेड बोट है, ट्विस्टेड बोट में ये प्रेफर कीजिए आप, इसमें अगर स्ट्रक्चर बनाना है ये बनाइएगा, और इसमें स्ट्रक्चर बनाना है ये बनाइएगा, इसके अंदर ये बनाइएगा। अब ये बताओ कि इनके अंदर जो एनर्जी कैस किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, कौन अनस्टेबल ज़्यादा होगा बताओ। तो अनस्टेबल तो ज़्यादा क्या हुई, हाफ बोट क्या हुई, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसमें तो बहुत पास है, औरों में तो देखो दूर दूर है सब में, तो सबसे ज़्यादा हाईली अनस्टेबल कौन सी मानी जाती है आपकी, हाफ बोट मानी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, हाफ बोट की होती है, फिर फुल बोट आती है, फिर आपकी हाफ चेयर आती है, और फिर फुल चेयर आती है, एनर्जी लोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। स्ट्रक्चर सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, वरना आपके पास किताब होगी उसके अंदर भी आपको दिया मिल जाएगा। ये चीज़ देखिएगा, मैं लिख देता हूँ ये ऑर्डर भी ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, चेयर की सबसे कम होती है, फिर हाफ चेयर एनर्जी, और फिर सबसे बोट की होती है, और फिर हाफ बोट की होती है, क्लियर। ये ऑर्डर होता है किसका, एनर्जी का। तो ग्राफ भी कुछ इसी तरीके का बनेगा, ग्राफ सबसे ज़्यादा किसकी एनर्जी, हाफ बोट की, फिर बोट की, फिर नीचे नीचे क्या आएगा, नीचे चेयर आएगा, हाफ चेयर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बोट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हाफ बोट आएगा, क्लियर। ऊपर बोट चलेगी, नीचे क्या चलेगी, चेयर चलेगी, चेयर नीचे चलेगी, बोट ऊपर चलेगी, इस तरीके से इसका एनर्जी ग्राफ बनेगा, क्लियर है। साइक्लोहेक्सेन की मेनली पूछता नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही डिफ़िकल्ट होती है बनाने में, आपको ये जरूर पूछ सकता है आपसे, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए,
न्यूमैन प्रोजेक्शन से 60 एक स्ट्रक्चर बना लो, कोई बना लो, ये बना लोगे तो 60 डिग्री घुमाते जाओ सारे बन जाएंगे, क्लियर है। तो इसी के साथ भाई पार्ट वन इसका कंप्लीट हो चुका है। पार्ट वन के अंदर जो है हमने कन्फॉर्मेशनल्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो में कॉन्फ़िगरेशनल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, अगेन जय हिंद।